नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं चाहते कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें। उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, हमारे तो नहीं हो इस्तीफा तो बढ़िया ही है, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आम आदमी ऐसे आदमी है कि पूरे यानी गरीब आदमी को सबको सुविधा दे रहे हैं, जो काम करता उसको हटा देते हैं, उसको जेल पहुंचा देते हैं। और वही कहते हैं जो बढ़ते हैं उनको टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं, है ना। अरविंद केजरीवाल जैसा सीएम हम 1996 से किसी भी पार्टी में नहीं देखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की बात कही है और इस वक्त हम दिल्ली की जनता के बीच में ही पहुंच रहे हैं, जहां पर हम दिल्ली की जनता से जानेंगे कि आखिर दिल्ली की जनता की क्या राय है। चलते हैं, बहुत सारी जनता है, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों की राय है, किस नजरिए से उस चीज को देख रहे हैं? देखो जी, हमारे तो केजरीवाल जी बहुत बढ़िया है और हमें उनसे बहुत फायदा है, और जो इस्तीफा दे रहे हैं गलत दे रहे हैं इस्तीफा, हमारे हिसाब से इस्तीफा नहीं देने चाहिए वैसे भी, क्योंकि हमें उनसे बहुत फायदा है, क्योंकि हर चीज की हमारे बहन माँ है, बहन है, उनकी बस फ्री है, हर चीज की सुविधा है। वो दूसरी सरकार कोई आएगी हम उसको भरोसा नहीं हमारे पास। हम तो चाहते नहीं कि जी मुख्यमंत्री हटे, पहली इतनी गरीबी है और महंगाई इतनी इन्होंने कर रखी है, हैं? जो काम करता उसको हटा देते, उसको जेल पहुंचा देते हैं, हैं? और जो ये है नेता और लोग वो खा रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं, जो सही काम करने आता, बिजली का कितना बुरा हाल था, हैं? लोग कैसे कैसे कर्ज ले लेके बिजली भरते थे, अब क्यों नहीं ऐसे कर रहे, अब भी तो बेचारे जैसा इतना कम आता है सही आता है बिल। देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की बात कही है, किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं, यंगस्टर हैं, दिल्ली में रहते हैं आप लोग? हो सकता है जो लोग जिन्होंने उन्हें मतलब वोट वगैरह नहीं किया है, क्या पता उनसे उनकी खुले आंखें खुले कि महंगाई को देख करके भाई इतनी महंगाई हो रही है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ तो इसका क्या कारण है, लोग जागरूक हों, है ना, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने 15 साल से हैं लगभग, है ना, दिल्ली में लोगों का विश्वास जीत रखा है, लेकिन और वही कहते हैं जो बढ़ते हैं उनको टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं, है ना। क्या कहेंगे आप, फोटो चलाते हैं? मैं तो 1996 से रह रहा हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जैसा सीएम हम 1996 से किसी भी पार्टी में नहीं देखे, और स्कूल में इतनी फैसिलिटी सीएम अरविंद केजरीवाल किया है और हॉस्पिटल में इतनी बढ़िया फैसिलिटी किया है जो कि कोई पार्टी का नेता नहीं किया। 1996 से मैं रहता हूँ, ऐसा सीएम कभी मैंने देखा नहीं, इतने दिन से रहा मैंने कभी नहीं देखा। केजरीवाल जी बढ़िया है, पटरी वाले रेड़ी पटरी वाले खाका मारे, और कोई आएगा तो सब सफाया दिखाई देगा, हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पब्लिक के साथ हैं, वो पब्लिक उनके साथ है, वोट भी डालता है कि ईमानदार आदमी है या पार्टी ईमानदार है, आम आदमी या आम आदमी ऐसे आदमी है कि पूरे यानी गरीब आदमी को सबको सुविधा दे रहे हैं, सबकी सुविधा कर रहे हैं, हाँ हमारे तो नहीं हो इस्तीफा तो बढ़िया ही है, क्यों ना हो भाई, काम अच्छे करें इसी मारे तो करेंगे, नहीं हो तो अच्छे ही है। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति है? भाई मैम हमारे हिसाब से तो जितनी मदद वो कर रहे हैं तो ईमानदारी है, हमारी सबसे तो बढ़िया क्या है, काम जो बात है सही है भाई, गलत हमारे हिसाब से अगर आम जनता के हिसाब से देखा जाए तो गलत हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल जो है सीएम साहब है हमारे दिल्ली के थे, मतलब अभी तो हैं, खैर उन्होंने जो काम करे गरीब हित में तो करे हैं थोड़े बहुत, बाकी और किसी मुख्यमंत्री ने तो पहले करे नहीं, एजुकेशन फ्री कर दी, हॉस्पिटल में इलाज अच्छा हो रहा है, और भी दिल्ली में लेडीजों के लिए बस फ्री कर रखी है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री थी, पानी बिजली का बिल नहीं आ रहा, और क्या चाहिए गरीब आदमी को, बाकी और चीजों में तो हर चीज में महंगाई है, तो हमारे हिसाब से तो गलत हो रहा है। हम लोगों की राय तो इस्तीफा देने में गलत है, वो गलत कर रहे हैं, और लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, इतना ही काफी है, जो उसने फैसिलिटी दिया है और किसी ने तो दी नहीं है, हर चीज का दावा करते हैं कि ये हमारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, आज तक किसी ने क्या दावा करा, पूरा हुआ है, कहाँ है ये बताइए, किसी ने करा है? आज उसको देखने के बाद में हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 300 यूनिट फ्री हो रही है, तो जब उसने कहने के बाद में कर दी थी, इन्होंने तो अभी तक नहीं करी, हर चीज की महंगाई हो रही है, जब प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं तो उसका फायदा भी तो बताना चाहिए ना कि भाई मैंने ये काम ये करा है, सब्जी देखो अभी इस टाइम में कितने भाव पड़ रहा है, आदमी गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है ईमानदार व्यक्ति है, हमारे लिए तो देखो जी जो गरीब आदमी है उसके लिए तो ठीक ही है।
उन्होंने दिल्ली के अंदर अच्छा काम करा है, इतना अच्छा काम किसी पार्टी ने भी नहीं करा जितना उन्होंने अच्छा करा है। उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं अच्छा देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति हैं? सर वो ईमानदार अगर नहीं होते तो उनको पब्लिक चुनती नहीं। अगर वो ईमानदार हैं तभी तो उनको पब्लिक ने चुना। क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्या कारण है? कारण यही है, सही चल रहा है काम। क्या सही चल रहा है? रेहड़ी पटली सब कुछ सही चल रहा है उनको, उसमें ऐसा सीएम ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है सीएम वो। अच्छा क्या लगता है आपको कि केजरीवाल ईमानदार है? अगर है तो क्यों, क्या कारण? ईमानदार है, बिल्कुल सही है वो, ईमानदारी से काम करा है जो भी करा है अब तक। हमारी राय ये है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। दिक्कतें कुछ आती जरूर है, ये पब्लिक पागल है। जब केजरीवाल जी बंद हुए हैं तो पब्लिक को एकदम रोड पे आना चाहिए था और मुख्यमंत्री को छुटाना चाहिए था, उसको और बढ़ावा देना चाहिए था कि केजरीवाल रहे। पब्लिक एकदम उसके लिए थोड़ा बेनिफिट हो गया, जैसे बस का किराया या फिर और कोई फैसिलिटी या स्कूल की फैसिलिटी जिस तरह उन्होंने दे दी, तो कम से कम उनको, उन लोगों को तो जागना चाहिए था कि कम से कम केजरीवाल हमारे लिए बना रहे। इतने फायदे कम होते हैं क्या पब्लिक के लिए? पहले महंगाई से जूझ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की बात कही है, आप लोगों की क्या राय है? मेरी तो यही है कि देना ही नहीं चाहिए। अच्छा नहीं देना चाहिए, क्या कारण है? इसलिए क्योंकि देखो स्कूल में और यहाँ तुम क्या कहते हो हॉस्पिटलों में चले जाओ, बहुत सारी सुविधाएं केजरीवाल ने ही दी है। मोदी ने तो कुछ नहीं करा, अपना सिर्फ नाम कमाया और कुछ नहीं। अच्छा क्या लगता है आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी? ईमानदार है और हमेशा ही रहेगी। क्या कहेंगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की बात कही है, क्या राय है आप लोग? नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें, हम केजरीवाल को ही चाहते हैं, एटलीस्ट वो होने चाहिए। हमें मोदी जी से कोई प्रॉफिट नहीं है, इतनी इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियां हैं जो हम फेस कर रहे हैं। सब्जी के रेट, मतलब घर में घर का खर्चा कैसे चलाएं? अभी मैं यही बोल रही थी, मैंने घर में खाना बनाए या नहीं बनाए, कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितना सब कुछ बढ़ गया है। हम केजरीवाल को चाहते हैं कि केजरीवाल रहें, केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहें, प्रधानमंत्री बने। नहीं देना चाहिए इस्तीफा, नहीं देना चाहिए। क्या कारण है? क्या कारण, इतनी अच्छा है वो तो, केजरीवाल से तो कोई है भी नहीं। मोदी ने तो लुटिया डुबे दी सबकी, इतना परेशान करेगा? मोदी ने तो बहुत परेशान कर रखा है सबको, अपना अपना कर रहा है। पब्लिक के बारे में सोचो, कोई सी सब्जी है सस्ती बताओ आप? आपको खुद पता है केजरीवाल ने बस का किराया फ्री कर रखा, बिजली का बिल कर रखा था, अब उसको बेकार में इतने दिन जेल में रखा, अब छोड़ा नहीं छोड़ा उनको। देखिए जनता से हम संवाद कर रहे हैं, जहां पर जनता ये चाह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अब की बार प्रधानमंत्री बने। वही रहना चाहिए, बस वही रहना चाहिए, वही रहना चाहिए। वो एक नंबर है, वो जो केजरीवाल जी। अच्छा, उससे उससे आगे कुछ नहीं है, वो पूरा हॉस्पिटल बनाया पूरा, मतलब कि जो ये है ना दिल्ली का जितना है वो सब कुछ एक नंबर किया का, वही होना चाहिए बस। केजरीवाल सबसे बेस्ट नेता है यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, हमारी तो यही राय है। और आगे ईमानदार है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ईमानदार भी है और पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर रही है। देखिए यहाँ पर दिल्ली की जनता से जब हमने राय जानी तो दिल्ली की जनता चाहती है कि जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल देने जा रहे हैं वो इस्तीफा ना दें और दिल्ली के पद पर बतौर मुख्यमंत्री वो रहें। साथ ही कुछ लोगों ने बात की कि केजरीवाल का जो काम है जमीनी स्तर पर इतना देखने के लिए मिल रहा है कि जो जनता है उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अब की बार चुनावों में किसकी जीत होने जा रही है, लेकिन ज्यादातर जनता की यही राय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद पर ही रहें। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली।